हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज पवन नागर और आज हम आपसे बात करेंगे पोपलिटल फोसा की एनाटॉमी के बारे में कि पोपलिटल फोसा में क्या क्या बाउंड्रीज होती है, कंटेंट होते हैं और जो भी इसका क्लिनिकल होता है। ओके, तो देखिए, इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा बेसिक देखते हैं कि इसको पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी। ओके, अब देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। बेसिकली ये जो पोपलिटल फोसा होता है ये किसका एनालॉगस होता है? दिस इज़ द एनालॉगस ऑफ क्यूबाइटल फोसा। आपको पता हो तो हमारे हैंड में होता है ना जो एंटीरियर साइड क्यूबाइटल फोसा, उसी का ये होमोलोगस होता है, क्योंकि क्यूबाइटल फोसा कहाँ होता है? एल्बो जॉइंट पे। ओके, और पोपलिटल फोसा कहाँ होता है? ये होता है हमारे नी जॉइंट पे। सेकेंड बात ये कि देखिए, हमने जो अडक्टर कैनाल या सब सार्टोरियल कैनाल है उस पर हमने उसका फर्स्ट वीडियो आपको बताया था इस डायग्राम से। तो देखिए, इस डायग्राम में हमने आपको लोअर लिम का एक बहुत ही तगड़ा वाला कॉन्सेप्ट बताया था, और वो कॉन्सेप्ट ये था कि सबसे पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? फीमोरल ट्राइंगल। फीमोरल ट्राइंगल किससे कनेक्ट होता है? अडक्टर कैनाल से। और अडक्टर कैनाल देन किससे कनेक्ट होता है? अडक्टर हाइटस से। और अडक्टर हाइटस देन कहाँ खुलता है, मतलब कहाँ ओपन होता है? पोपलिटल फोसा में। तो देखिए, आपको इसी सीक्वेंस से लोअर लिम को स्टार्ट करना है। सबसे पहले आप फीमोरल ट्राइंगल पढ़िए, उसके बाद आप अडक्टर कैनाल पढ़िए, देन अडक्टर हाइटस पढ़िए कि अडक्टर हाइटस बेसिकली होता क्या है, एंड देन पोपलिटल फोसा पढ़िए। तो देखिए, फीमोरल ट्राइंगल, इसका भी हमारा पूरा का पूरा इस टॉपिक पर भी हमारी पूरी वीडियो अपलोड हो चुकी है। चैनल पर जाइए, वहाँ आपको सब मिल जाएगी। अडक्टर कैनाल, इसकी भी सारी की सारी वीडियो अपलोड हो चुकी है। अडक्टर हाइटस के लिए कुछ नहीं, दिस इज़ द टेंडिनियस ओपनिंग इन अडक्टर मैग्नस मसल। उसके बाद पोपलिटल फोसा, जिसके बारे में हम अभी आपसे बात कर रहे हैं। ओके, तो देखिए, अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा। तो देखिए, हमारे चैनल पे आर लोअर लिम एनाटॉमी नाम से एक प्लेलिस्ट है, जिसमें आपको लोअर लिम का सब कुछ मिल जाएगा, मतलब जो भी लोअर लिम में टॉपिक्स है, सारी नर्व, सारी की सारी बाउंड्री कंटेंट वाली चीज़ें, मतलब जो भी पढ़ना है, आर्टरी पढ़नी है, वेन पढ़नी है, जो भी पढ़ना है, सबका सब आपको मिल जाएगा लोअर लिम एनाटॉमी प्लेलिस्ट में। ओके, तो आते हैं हमारे मेन पॉइंट पे। तो देखिए, पोपलिटल फोसा, अब इसमें पढ़ना क्या है? कुछ नहीं, वही देखिए, कुछ नहीं पढ़ना, सब कुछ वही, सब कुछ सेम है। क्या आप क्यूबाइटल फोसा पढ़ते हैं, पोपलिटल फोसा पढ़ते हैं, फीमोरल ट्राइंगल पढ़ेंगे, अडक्टर केनाल पढ़ेंगे, उसके अलावा एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स पढ़ेंगे, मतलब जो भी चीज़ें पढ़ते हैं उनमें क्या पढ़ते हो? बाउंड्रीज, कंटेंट और उनके क्लिनिकल्स। तो इसमें भी वही पढ़ना है, बाउंड्री, कंटेंट एंड देन क्लिनिकल। अब देखिए, इसका हम सबसे पहले यहाँ पे जो डायग्राम बनाएंगे अभी इस वीडियो में, वो डायग्राम होगा इसकी सारी की सारी बाउंड्रीज का। तो देखिए, बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है। तो हम ये डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं पोपलिटल फोसा की बाउंड्रीज का। बेसिकली कहाँ होता है? पोस्टीरियर साइड ऑफ नी जॉइंट। तो यहाँ पे डायग्राम बना रहे हैं, ये क्या होगी? दिस इज प्लांटेरिस, यहाँ पे होगी हमारी सॉरी, दिस इज ग्रेसिलिस, यहाँ पे ये वाली मसल होगी बाइसेप्स फीमोरिस। ओके, और ये क्या है? दिस इज गैस्ट्रोक्निमियस। गैस्ट्रोक्निमियस के टू हेड होते हैं, लेटरल साइड वाला, दिस इज द लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्निमियस, और एक होता है मीडियल साइड वाला, उसे बोलते हैं हम, दिस इज द मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्निमियस। ओके, तो देखिए, हमने पोपलिटल फोसा के पूरी की पूरी बाउंड्रीज का पूरा डायग्राम आपको यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। देखिए, अब हम बताते हैं इसमें कौन सी मसल क्या है और वो कौन सी बाउंड्री बनाती है पोपलिटल फोसा की। तो देखिए, सबसे पहले हम आते हैं मेन मसल पे, जो नीचे वाली होती है, दिस इज गैस्ट्रोक्निमियस मसल। ये पूरी की पूरी गैस्ट्रोक्निमियस मसल है। ओके, पहले इसके एनाटॉमिकल पोजिशन देखते हैं। तो ये होगा हमारा मीडियल साइड, ये होगा लेटरल साइड, दिस इज सुपीरियर, दिस इज इन्फीरियर। मतलब क्या कि ये है, हम क्या देख रहे हैं? दिस इज द पोस्टीरियर व्यू ऑफ नी जॉइंट। ये पोस्टीरियर व्यू है, यहाँ पे नी जॉइंट होगा। ओके, और ये एनाटॉमिकल पोजिशन हो गई। अब देखिए, बेसिकली ये इस हिसाब से ये किस साइड का लेग है, अज्यूम कीजिए ये किस साइड का लेग होगा, लेटरल साइड है ये, है ये, तो ये हमारा है राइट साइड का लेग। ओके, तो दिस इज द राइट लेग।
ओके तो देखिए इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर थाई होगी, इसके नीचे लेग होगा। ओके तो अभी मैंने जो ये ब्राउन कलर से जो मसल पे कलर किया है, दिस इज द गैस्ट्रोनेमियस मसल। ये वाला क्या है, लेटरल साइड है, तो ये वाला होगा हमारा लेटरल है। ओके देखिए इसके टू हेड्स होते हैं, एक ये वाला है और एक इस साइड वाला है। ओके तो दीज आर द टू हेड ऑफ गैस्ट्रोनेमियस। ओके तो दिस इज लेटरल हेड, तो दिस इज लेटरल हेड एंड दिस इज मीडियल हेड, मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोनेमियस। देखिए हमने हमारा आल लोअर लिम मसल्स का चार्ट है, वहाँ पे हमने बताया था कि लेग की पोस्टीरियर साइड की सुपरफिशियल मसल होती है तीन, तीन कौन सी, GPS, गैस्ट्रोनेमियस, प्लांटेरिस और सोलियस। ये तीनों क्या हैं, ये है हमारे लेग के पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की सुपरफिशियल मसल्स। देखिए हमने हमारा एक चार्ट है आल लोअर लिम मसल्स का, जिसमें हमने सारी की सारी लोअर लिम मसल्स विद नर्व सप्लाई को कवर कर रखा है। ओके तो आप चैनल पे मिल जाएगा, आप सर्च करना आर लोअर लिम मसल्स और साइड में बाद में हमारे चैनल का नाम डाल देना, द चर्ची ऑफ मेडिकल लिटरेचर, आपको सारा का सारा मिल जाएगा। तो गैस्ट्रोनेमियस, तो दिस इज द लेटरल एंड मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोनेमियस हो गया। ओके और यहाँ पे ये एक मसल ये वाली है, ये क्या है, दिस इज प्लांटेरिस। ओके हमने बोला ना जीपीएस, जीपीएस क्या है, लेग की पोस्टीरियर साइड की सुपरफिशियल मसल्स, तो दिस इज प्लांटेरिस, तो इसको इसी कलर से लिख देते हैं, दिस इज प्लांटेरिस। ओके देखिए इसकी चार बाउंड्री पड़नी है, चार कुछ नहीं, एक होगी सुपीरियर लेटरल, एक होगी सुपीरियर मीडियल, एक होगी इन्फीरियर लेटरल, एक होगी इन्फीरियर मीडियल। ओके सुपीरियर साइड लेटरल मीडियल, इन्फीरियर साइड लेटरल मीडियल। ओके तो दो मसल्स हमने पढ़ ली, गैस्ट्रोनेमियस और प्लांटेरिस। ओके एक मसल ये वाली है, इसका नाम क्या है, तो देखिए इस मसल का नाम है हमारे पास बाइसेप्स फिमोरिस, तो दिस इज बाइसेप्स फिमोरिस। तो ये हो गया बाइसेप्स फिमोरिस। देखिए बाइसेप्स फिमोरिस एक होती है बाइसेप्स ब्रेकाई, बाइसेप्स ब्रेकाई कहाँ होती है, हमारी आर्म में, आपने अपर लिम पढ़ा हो तो बाइसेप्स ब्रेकाई आर्म में होती है, और एक होती है बाइसेप्स फिमोरिस, नाम से पता लग रहा है फिमोरिस मतलब फीमर। ओके तो देखिए इसके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यही बता देते हैं ताकि आपको मसल आगे और क्लियर हो जाए। देखिए इसका होता है सी शेप इंसर्शन, इंसर्शन सी शेप। आप जब बोन पढ़ेंगे, कौन सी बोन पढ़ेंगे हमारे फिबुला बोन पढ़ेंगे, तो फिबुला बोन के ऊपर अपर एंड पे इस मसल का होता है सी शेप इंसर्शन, और फिबुला बोन बेसिकली कहाँ होती है, लेटरल साइड होती है, तो बाइसेप्स फिमोरिस इसका इंसर्शन होता है सी शेप। ये इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क होता है, आपसे इसको बहुत सी बार एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि कौन सी मसल का सी शेप इंसर्शन होता है। ओके तो इसका होगा सी शेप। उसके बाद नेक्स्ट मसल पे आते हैं, तो एक मसल होगी हमारी यहाँ पे ये वाली जो मैं पिंक से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये होगी हमारी दिस इज सेमी मेम्ब्रेनोसस। ओके तो ये पिंक वाली क्या है, दिस इज सेमी मेम्ब्रेनोसस, तो दिस इज सेमी मेम्ब्रेनोसस। ओके और देखिए एक होती है सेमी टेंडिनोसस, तो देखिए जो सेमी मेम्ब्रेनोसस है वो इसी के ऊपर सेमी टेंडिनोसस होती है ना, उसका टेंडन ऐसे रखा हुआ होता है, मतलब सेमी मेम्ब्रेनोसस मसल के ऊपर इसका इस मसल के ऊपर एक मसल दूसरी होती है सेमी टेंडिनोसस, उसका टेंडन इस सेमी मेम्ब्रेनोसस मसल के ऊपर रखा होता है। तो देखिए मैं ब्लैक से इसके ऊपर एक लाइन खींच रहा हूँ, तो ये कौन सी मसल होगी ब्लैक वाली, जो कि मैंने अभी इसके ऊपर एक लाइन खींची ब्लैक से, ये होगी हमारी सेमी टेंडिनोसस। ओके तो जो ये ब्लैक वाली है ये क्या होगी, सेमी टेंडिनोसस, सेमी टेंडिनोसस। ओके और ये मसल्स भी हमने कहाँ पढ़ी थी, आल लोअर लिम मसल्स के चार्ट में। ओके तो देखिए इसके बाद तीन मसल्स और रह गई हमारी, एक मसल ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, तो जल्दी फटाफट इनके नाम भी लिख देते हैं कि इनमें कौन सी मसल क्या है। एक मसल होगी ये वाली, इसका नाम क्या होगा, दिस इज वास्टस लेटरलिस,
लेटरल साइड है तो लेटरलिस होगी ना। ओके, और दो मसल्स यहाँ पे हैं तो इनके नेमिंग भी फटाफट कर देते हैं। एक मसल होगी ये वाली, इसका नाम क्या होगा? दिस इज, ये होगी हमारी साल्टोरियस। साल्टोरियस आपने पढ़ा था ना, कहाँ पे? अडक्टर केनाल, अडक्टर केनाल या सब साल्टोरियल केनाल। ओके, मतलब साल्टोरियस मसल्स के नीचे होगी। और ये कहाँ होती है बेसिकली? मीडियल साइड। सब साल्टोरियल केनाल, अडक्टर केनाल मीडियल साइड होती है, तो बेसिकली मीडियल साइड है ही, साल्टोरियस मसल का इंसर्शन मीडियल साइड है। ओके, तो ये हो गई साल्टोरियस। लास्ट एंड फाइनल मसल एक और बच गई, तो उसको भी लिख ही देते हैं। एक मसल होगी हमारी ये वाली, और इस मसल का नाम है, दिस इज ग्रेसिलिस। ओके, तो ये हो गई हमारी ग्रेसिलिस मसल। तो देखिए, हमने इस डायग्राम में सारी की सारी मसल्स ड्रॉ कर दी है। अब आते हैं इसके मेन पॉइंट पे, कि वही हमने बोला ना, चार बाउंड्री होती है, सुपीरियर, इन्फीरियर। सुपीरियर भी दो, सुपीरियर लेटरल, सुपीरियर मीडियल। इन्फीरियर भी दो, इन्फीरियर मीडियल, इन्फीरियर लेटरल। तो देखिए, बाउंड्री को हम कवर करेंगे इस रेड पेन से। अब देखिए, एक होती है कौन सी? सुपीरियर लेटरल। तो सुपीरियर लेटरल बाउंड्री कौन बनाता है? कौन सी मसल बनाती है? हमारी बाइसेप्स फीमोरिस। ओके, तो बाइसेप्स फीमोरिस होती है, ये बनाती है हमारी सुपीरो मीडियल बाउंड, सुपीरो लेटरल बाउंड्री। सुपीरियर साइड है तो ये बनाएगी हमारी सुपीरो लेटरल बाउंड्री। ओके, उसके अलावा सेमी टेंडिनोसस और सेमी मेम्ब्रेनोसस, देखिए ना पिंक वाली, और ये ब्लैक से मैंने लंबी लंबी खींची है। तो सेमी टेंडिनोसस, सेमी मेम्ब्रेनोसस, देखिए ये डायमंड शेप होता है, देखिए डायमंड शेप आपको दिख रहा होगा ऐसे और ऐसे, तो देखिए ये डायमंड शेप होता है। तो डायमंड शेप तो चार होगी ना, तो सेमी टेंडिनोसस, सेमी मेम्ब्रेनोसस, ये दोनों क्या बनाएगी? सुपीरो मीडियल। तो ये बनाएगी हमारी सुपीरो मीडियल। ओके, अभी देखिए और मसल्स को कवर करेंगे। उसके अलावा देखिए, एक होती है लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस, ये क्या बनाती है? लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस बनाती है इसका इन्फीरो लेटरल, तो ये बनाएगी इन्फीरो। ओके, तो ये बनाएगी इसका इन्फीरो लेटरल बाउंड्री। ओके, और एक होती है ये वाली मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस, ये क्या बनाती है? देखिए ना, मीडियल साइड है, तो ये बनाएगी इसका इन्फीरो मीडियल। ओके, तो ये बनाएगी इन्फीरो मीडियल। तो देखिए, हमने चार बाउंड्रीज की देख ली, चार कौन कौन सी? इन्फीरो लेटरल, इन्फीरो मीडियल, सुपीरो लेटरल और सुपीरो मीडियल। तो चारों बाउंड्रीज हो गई, क्योंकि डायमंड शेप है ना, डायमंड शेप है तो चार बाउंड्री होगी। ओके, अब आते हैं कि इन मसल्स को हमने एक्स्ट्रा में क्यों लिखा। तो देखिए, आपको पता हो तो एक होता है पेस एंसरीन बर्सा, आप लोअर लिम में आगे पढ़ेंगे पेस एंसरीन बर्सा। देखिए, उसी को भी हम यहीं पे समझा देते हैं। पेस एंसरीन बर्सा कुछ नहीं होता, जो SGST, मतलब उसको कैसे याद करते हैं? पेस एंसरीन बर्सा को कैसे याद करते हैं? SGST, इससे याद करते हैं। मतलब ये तीन मसल्स होती है जिन पे बरसा क्या होता है? बरसा कुछ नहीं होता, हमने एक थैली के अंदर पानी भर दिया, और उस थैली से भरी और उस थैली के अंदर पानी भर के उसको किसी टेंडन के नीचे रख दिया। क्यों? क्योंकि वह टेंडन बोन से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आए। ओके, तो टेंडन डायरेक्ट बोन से कांटेक्ट में नहीं आए, इससे उसकी हेल्प किसने की? उसकी हेल्प की बरसा ने। तो उसी उसी तरह से यहाँ पे इन तीन मसल्स के टेंडन, SGST, एस से साल्टोरियस, जी से ग्रेसिलिस और ST से सेमी टेंडिनोसस, सॉरी सेमी टेंडिनोसस। तो इन तीनों मसल्स के टेंडन मीडियल साइड, मतलब क्या होगी? हमारी टीबिया होगी। तो टीबिया की मसल का टेंडन टीबिया के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए, तो उनके बीच एक बरसा होता है। बरसा मतलब कुछ नहीं, दिस इज द फ्लूड फिल्ड कैविटी। ओके, तो उससे क्या होगा? बोन, सॉरी टेंडन मसल से, सॉरी टेंडन बोन से डायरेक्ट रगड़ नहीं खाएगा। ओके, तो ये क्या है? पेस एंसरीन बरसा।
तो ये तीनों मसल्स बनाती है पेस, इंसुलिन, बरसा। उसी तरह से देखिए जो होती है ना, ये कहाँ पे होगी, ग्रेसिलिस और साल्टोरियस, ये है हमारी लेटरल साइड। लेटरल कहाँ पे, सुपीरो लेटरल, सॉरी सुपीरो मीडियल, सुपीरो ऊपर की साइड है और मीडियल साइड है। तो ये होती है सप्लीमेंट्री मसल्स। देखिए आप बुक्स में, कुछ बुक्स में लिखा है, कुछ में नहीं लिखा है, तो ये दोनों क्या होती है, दीज आर सप्लीमेंट्री मसल। ओके, सप्ली मतलब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सप्लीमेंट्री मसल्स कहाँ पे होगी, सप्लीमेंट्री, ये सप्लीमेंट्री होगी सुपीरो मीडियल साइड। ओके, उसी तरह से जो प्लांटेरिस होती है ना, प्लांटेरिस, ये कहाँ पे सप्लीमेंट्री होगी, ये सप्लीमेंट्री मसल होगी कहाँ पे, इन्फीरो लेटरल साइड। ओके, तो दिस इज द सप्लीमेंट्री मसल ऑफ इन्फीरो लेटरल, तो ये भी होगी हमारी सप्लीमेंट्री मसल। ओके, तो देखिए हमने सारे की सारी इसकी बाउंड्रीज देख ली है क्यूबाइटल सॉरी पॉपलिटल फोसा की। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको कि इसके कंटेंट क्या क्या होते हैं। ओके।